हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मकर संक्रांति पे गुड़ और परमल के मुरमुरे। ये देखिए बहुत अच्छे बनते हैं। और मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, इसमें 100 ग्राम परमल को मैंने हल्के हल्के से चला लिए हैं, ये थोड़े से करारे हो जाएं। देखिए मैंने फ्लेम को हल्का कर लिया है, अब मैंने हल्के हल्के से इनको हल्के से चला लिया है। अब देखिए परमल भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं ये। अब इसके बाद मैंने इसको प्लेट में कर लिया है। इसमें 2 चम्मच मैंने समथिंग इसमें पानी लगा लिया है। अब थोड़ा सा मैंने गुड़ डाल दिया है। अब मैं इसकी चाशनी बना लूँगी। अब देखिए ये चाशनी भी हमारी बनने वाली है, आप पानी में चेक करके देख सकते हैं अगर पानी में इस तरह से बनेगी। आप देखिए इस तरह से मैं आपको बना के दिखाती हूँ चेक करके। अब देखिए हमारी बन गई है चाशनी। अब मैं इनके सारे परमल जो थे अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फ्लेम को बंद कर दूँगी। अब इसको सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद और थोड़ा सा हल्का 1 मिनट ठंडा होने के बाद अब हाथों में पानी या थोड़ा सा तेल लगा लें। अब हम गुनगुने गुनगुने से हम इनको बांध लें लड्डुओं को। अब देखिए बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अब देखिए हमारे तैयार हो गए हैं मुरमुरे। अब मैंने इसी तरह सबको सबके बना लिए हैं। और अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये हमारे तैयार हो गए हैं, सबको मैंने इस तरह से बांध लिया है। और देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते।